बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित साक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए साक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के लिए 4 मई तक वेबसाइट https://www.bacbsakshmakta.com लॉगिन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले दिन 200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा समिति ने कहा कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो साक्षमता परीक्षा पहले में आवेदन भरे हैं एवं परीक्षा शुल्क जमा किए हैं, लेकिन किसी कारणवश वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। साक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षमता परीक्षा प्रथम में सफल होने के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही सफल होने वाले शिक्षकों को द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला मिला है और वे आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं हैं तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं। बता दें कि द्वितीय में मिले अंकों के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। वहीं स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क ₹1100 देना होगा। बता दें कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें साक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित अभ्यास नजदीकी प्राथमिक शिक्षक परीक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शाम 7:30 से 9:30 तक कर सकते हैं या नजदीकी विद्यालय के ICT लैब में 5 बजे तक अभ्यास कर सकते हैं। साक्षमता परीक्षा में सफलता के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।